शारदा पीठ को भी जल्दी से यात्रा के लिए खोल दिया जाए। शारदा माता की, शारदा रविंद्र पंडिता जी ने कहा है कि करतारपुर कॉरिडोर के पेटन पर शारदा पीठ को भी जल्दी से यात्रा के लिए खोल दिया जाए। भारत सरकार निश्चित ही इस दिशा में प्रयास करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारा लक्ष्य जो है वो है, हमारा लक्ष्य जो सर्वज्ञ पीठ है, शारदा पीठ हमारी जो अभी नीलम घाटी में है, उसको खुलवाने की हम चाहते हैं कि दोनों तरफ से राहदारी खुले, दोनों तरफ से मजहबी जो राहदारी खोली जानी चाहिए। और उसमें जो है ये एक कड़ी है, ये अल्टीमेट गोल नहीं है। हमें बड़ी खुशी है, यहाँ पे सब मकामी लोगों को बहुत मुबारकबाद, यहाँ पे सभी भारतवासियों को मुबारकबाद कि फिर से वो मंदिर 1947 का जलाया गया था, आज फिर तामीर हुआ है। और आशा है कि हम उस पार, किशन गंगा के उस पार शीघ्र ही जाएंगे। दोनों सरकारों से निवेदन है कि वो LOC परमिट जो हमारा है उसमें एक संशोधन हो, उसमें एक तरमीम हो कि दोनों तरफ से, जैसे लोग इस टाइम वहाँ POJK से इधर आ रहे हैं, हम POJK जाते हैं, पर उसमें मजहबी यात्राएं पिलग्रिमेज भी शामिल करी जाए, एक बहुत बड़ा CBM होगा। शारदा देवी हमारी इष्ट देवी है, कश्मीरी पंडितों की इष्ट देवी है, जो जिनका असली पीठ पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है और जिसके लिए हम सेव शारदा कमेटी एक स्ट्रगल में लगे हैं कि वहाँ की राहदारी खोली जाए और हमें वहाँ दर्शन करने के लिए इजाज़त मिले। हम दोनों ममालिक से इस बात के लिए आग्रह करते हैं कि हमें सेव शारदा कमेटी की तरफ से एक स्ट्रगल जो चल रहा है कि हमें शारदा पीठ में जाने की इजाज़त दी जाए। देखें, ये तो बड़ा वेलकमिंग स्टेप है और इससे पहले मैं ये समझता हूँ कि अगर लाइन ऑफ कंट्रोल जो है उसको खोला जाए, ओपन किया जाए और उसमें जो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको थोड़ा सा इजी किया जाए, तो इससे जो मजहबी हमांगी है ना सिर्फ रियासत जम्मू कश्मीर के जो मुख्तलिफ कम्यूनिटीज़ हैं, हिंदू मुस्लिम सिख और दीगर, बल्कि जो मैनलैंड इंडिया है उसके अंदर की भी एक बड़ी पॉपुलेशन के जो सेंटिमेंट हैं उनको भी बहुत खूबसूरती से एड्रेस किया जा सकता है। तो शारदा पीठ कोई 150 किलोमीटर के फासले पर हम जफराबाद से, और लाइन ऑफ कंट्रोल जो है उससे टोटल 10 मील के फासले पर है। ये मैं समझता हूँ कि जो करतारपुर कॉरिडोर है उसके पैरेलल ये दूसरी सरगर्मी होगी जो यहाँ माशी तौर पर लोगों को की जो जिंदगी उनको इम्प्रूव कर सकती है, मजहबी तौर पर लोगों के दरमियान हमांगी, प्यार मोहब्बत और भाईचारे के जो जज्बात हैं उनको प्रमोट कर सकती है। और दूसरी बात यह है कि ये जो एक दहशतगर्दी का जो माहौल है उसके खात्मे में ये की रोल प्ले कर सकती है।